राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि यूपी के युवा जो हैं वो रात में शराब के नशे में सड़कों पे यूपी के युवा जो है वो शराबी है, रात भर सड़कों पे मतलब डांस करते हैं। मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, पर मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश हैं, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, और जो यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी की जो यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोजगार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर आप स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है। मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मूल जो फाउंडेशन थी वो थी पीडीए, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी चार स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की। तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहाँ हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहाँ अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केशव प्रसाद जी का नाम आ रहा है बीजेपी से, मैनपुरी से केशव प्रसाद जी का जो है नाम बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता है, और सांसद जी किसान लगातार कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी श्री कृष्ण दिखाया गया और अजय राय को। मैंने ये पोस्टर देखा नहीं है तो मैं मान। सांसद जी लगातार किसान धरना दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि बैठक की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों के प्रति कोई भी निष्कर्ष हल निकल के नहीं आ रहा, कैसे मानते हैं इसको लेकर, क्या देखते हैं? मेरे हाथ में कुछ है नहीं इन सब चीजों को लेकर। कांग्रेस और सपा में लगभग गठबंधन तय हो गया, आज शाम को प्रेस वार्ता भी शायद हो सकती है, 17 सीटों को लेकर जहाँ तक सूचना मिली है हुआ है कुछ ऐसा? अगर आपको सूचना मिली है तो कोई फैक्ट्स तो होंगे तभी आप तक सूचना आई है। नहीं, 2-3 सीटों को लेकर कुछ अभी, लेकिन अब आप पे सूचना आई है तो मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई सच्चाई होगी इसमें। धर्मेंद्र जी पहले वहां से थे, बताइए उसे, अब उनको क्या लग रहा है, कहां उनको दे जा सकते हैं आने वाले समय में? जिस तरह आप देख रहे हैं रोज लिस्ट निकल रही है हर हफ्ते में, तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र जी अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। सांसद जी लगातार लिस्ट जारी की जा रही है, सांसद तेज लगातार नहीं, खाली तीन लिस्ट आई है, तीन लिस्ट आई है, तेज प्रताप यादव जी का उसमें नाम नहीं निकल के आया, क्या समझती हूँ? राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा।